नमस्कार भाई दोस्तों, थोड़ा ना हेडलाइन से समझ जाना। आप हेडलाइन जो इन्होंने दी है ना, हेडलाइन कैसी है? चीन ने गुपचुप किया ऐसा वार, किलो लुहा लहूलुहान हो गया भारतीय शेयर बाजार, सवाहा हुए लाखों करोड़ रुपए सवाहा। जो आतंकी खुलेआम भारत को देता रहा धमकी, उसके लिए इस हद तक जा रहा अमरीका। ये दोस्ती नहीं दोगलापन है, दोस्ती दोगलापन। या जो लाखों करोड़ सवाहा हुए हैं उसका आपको डिटेल में बताएंगे, थोड़ा डिटेल में सुनना। बताया था पंगा मत लिया करो चिंटू, तुम चिलम्बा चिलगोजे हो, अपना सस्ता नशा करो और कहीं लेटे रहो, लेकिन तुम्हारे को मानना तो है नहीं, बाज तो आना नहीं है। और जो जिस विकास यादव की FBI को तलाश है, 10 महीने पहले उसे दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार। इनके एक हेडलाइन और देख कर मेरे को ना बड़ी मतलब कि हंसी आती है कि क्या मतलब हेडलाइन बनाते हैं ये। हेडलाइनों में नहीं देखते जाया करो। छुट भैया निकला विकास यादव, खा चुका है तिहाड़ की हवा, मगर US ने बताया रो एजेंट। US रो एजेंट बोल रहा है, इन्होंने हाँ भी कर ली वहां पे, US में हाँ कर ली, लेकिन यहाँ क्या भी ये फिर मना करने लगे। मतलब हद है इनकी दोगलेपन की। कोई बात नहीं, तुम ये सब करते हो, पहले शुरुआत अमेरिका से करते हैं, फिर चाइना का तो आपको बताएंगे बताएंगे। हो गया काम, खेला हो गया खत्म तुम्हारा। चलो ये अमेरिका को दोस्त नहीं भाई, मतलब दोगलापन बोल रहे हैं अमेरिका का। कमाल ही हो गया भाई कमाल। अमेरिका खुद को भारत का दोस्त कहता है, लेकिन उसकी नीति हमेशा दोगली रही है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आरोपियों को अमेरिका अपने यहां पना देता है, एक्शन तो दूर की बात, उनके प्रत्यार्पण के लिए तक राजी नहीं होता। ये कहने में कोई झिझक नहीं कि अमेरिका के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग। और हम क्या कर रहे थे, अमेरिका एक व्यापारी दोस्त देश है, वो अपने व्यापार से मतलब रखता है, तुम पंगा मत लिया करो। सरपंच बाइडेन है वो, सरपंच है वो सरपंच तुम्हारे साथ ऐसा खेल कर गया कि तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुम्हारे से 32,000 करोड़ के उस पर साइन भी करवा लिए और फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, कमाल है। भारत को खुलेआम धमकी देने वाला गुरपत सिंह पन्नू अमेरिका का नागरिक है, उसके खिलाफ एक्शन तो दूर की बात, उल्टा अमेरिका भारतीय एजेंसियों पर पन्नू की हत्या की साजिश करने का आरोप लगा चुका है। अब सुनो आरोप, तुम आरोप कह रहे हो फिर तुम हाँ क्यों भर लेते हो कि हाँ हमारा ही नागरिक है। फिर निखिल गुप्ता मुंह खोल रहा, वो चैचे कैसे हो रही है तुम्हारी, हद है भाई। अमेरिका ने पूर्व भारतीय अधिकारी विकास यादव पर अमेरिकी धरती पर अलगाववादी गुरपंच सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। यादव भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में काम कर चुके हैं, ध्यान से सुन लिया आपने, जो विकास यादव है वो कहां पे काम कर चुका है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि विकास यादव निखिल गुप्ता के सह साजिशकर्ता थे, जिन पर पहले भी आरोप लगाए जा चुके हैं। आरोप सिद्ध होने पर साजिश के लिए 10 साल और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 20 साल की जेल हो सकती है, कितनी होगी 30 साल की जेल। वहीं भारत ने कहा अमेरिका ने जिस पर आरोप लगाए वो भारत सरकार का कर्मचारी नहीं, पिछले साल नवंबर में भारत ने अमेरिकी सरकार द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। वो समिति कहां, वो वाशिंगटन के अंदर बैठी, जब तक यहां पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ना, वो जांच समिति को नहीं आने दिया। विदेश मंत्री को 12 दिन तक नहीं आने दिया गया था, तुम्हारा तब भी समझ में नहीं आई, तुम्हारी जांच समिति वापिस आ जाएगी, बड़ा मुश्किल है बड़ा मुश्किल। खुद को सुपर पावर और आतंकवाद विरोधी बताने वाले अमेरिका का कलेजा अक्सर भारत के दुश्मनों के लिए क्यों पसीज जाता है। आतंकी पन्नू आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, लेकिन अमेरिका का प्रेस उसके लिए कम नहीं होता, प्रेम उसके लिए कम नहीं होता, अमेरिका सरकार उसे संरक्षण देती है। अमेरिका का यह रवैया पहली बार नहीं है, निजर मामले में भी अमेरिका की चुप्पी उनकी कूटनीति पर सवाल खड़े करती है। पन्नू भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में है, अमेरिका को यह दिखाया जाता है कि कोई उनके देश की जमीन पर उनके नागरिक की हत्या साजिश रच रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि वे कैसे अमेरिकी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश हो रही है। पन्नू ने हाल ही में भारत को बॉल्कनाइज करने की धमकी दी, जिससे देश के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश का इशारा। इससे पहले उसने खुलेआम वीडियो जारी करके एयर इंडिया का विमान उड़ाने की धमकी दी। पन्नू ने हमास की तरह भारत पर हमला करने की धमकी दी। अमेरिका के पास 6161 प्रत्यारोपण की रिक्वेस्ट पेंडिंग है, किसकी, इंडिया की। फिर ये विदेश में टंका कहां बज रहा है, विश्व गुरु का टंका कहां पे भाई, 61 रिक्वेस्ट पेंडिंग, देख ही नहीं रहे वो, ये रिक्वेस्ट कर रहा है विश्व गुरु। अमेरिका के अगले अपने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, उसने अभी तक 26/11 के मास्टरमाइंड तैवूर राणा का प्रत्यारोपण नहीं किया। अमेरिकी की अदालत ने आतंकी प्रत्यारोपण की इजाजत दे दी, इसके बाद भी अभी तक उसे नहीं भेजा गया। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका के पास प्रत्यारोपण की 61 रिक्वेस्ट पेंडिंग है। भारत को दोस्त बताने वाला अमेरिका ने प्रत्यारोपण पर एक्शन नहीं ले रहा, इसके बाद भी वो खुद को भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताता है। अब आते हैं तुम्हारे को, पहले चाइना का बताते हैं, इसका पूरा बताएंगे तुम्हारे को। हो गया लाखों करोड़ स्वाहा, तुम ऐसे ही करवाओगे, हमारे को तो पता था ये तुम्हारे जो चाल है ना, ये तुम है ना, सुधार तो तुम्हारे अंदर होना नहीं। वाई शेयर मार्केट क्रैश, भारतीय शेयर बाजार में जारी
बिकवाली कम होने के नाम नहीं ले रही। लगातार चौथे दिन भी शेयर बाजार गिरता चला गया। शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही खुलने के साथ धड़ाम हो गया। बड़े निवेशकों के साथ साथ छोटे छोटे रिटेल निवेशक इस बात से परेशान है कि आखिर बाजार कब वापसी करेगा, शेयर बाजार में जारी है गिरावट कब तक बनी रहेगी, इस पर गिरावट के पीछे कौन है, कौन है भाई गिरावट के पीछे, चीन है, फिर चाहे तो नहीं बोल पाते तुम। शेयर मार्केट में आप भी पैसा लगाते हैं तो बीते कुछ दिन आप पर भारी भी रहे होंगे। बाजार लगातार गिरता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगातार गिरे हुए हैं। बाजार में को लेकर कई लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। कोई इस गिरावट के पीछे इजराइल ईरान युद्ध को वजह मान रहा है तो कोई कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से कर रहे हैं। इन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया की ब्रोकरेज फर्म ने भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट की बड़ी वजह बता दी है। इस फर्म के मुताबिक भारतीय बाजारों में गिरावट के पीछे बहुत बड़ा हाथ पड़ोसी देश चीन का है। वाओ, बीते हफ्ते ऐसी खबर आई जिसके बाद से भारतीय शेयर बाजार लगातार गिरता जा रहा है। खबर आई कि चीन ने बड़ा खेल ला कर दिया है जिसका सीधा असर भारतीय बाजार और निवेशकों पर दिख रहा है। ड्रैगन यही नहीं रुका, चीन ने वही काम फिर से दोहराया कि तैयारी कर ली है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ब्रोकरेज ने भारतीय बाजार में गिरावट के पीछे चीन का हाथ होने की बात और इशारा किया। चीन ने निवेशकों को लुभाने के लिए बड़ा राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। इस राहत पैकेज से चीन के बाजारों में आए उछाल को देख निवेशक लाभ कमाने के लिए उधर का रुख करने लगे। विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाला जा रहा है जिस वजह से शेयर बाजार गिरता जा रहा है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक दीर्घकालीन लाभ के लिए भारत सबसे पसंदीदा बाजार, इस बाजार का कर दिया बेड़ा गर्क किसने, चीन ने। चीन की सरकार एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। निवेशकों को इस राहत पैकेज का इंतजार है। ब्लूमबर्ग की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बाजार में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट को चीन की सरकार ने से $283 अरब के राहत पैकेज की उम्मीद है। इसी उम्मीद में निवेश के टकटकी लगाए बैठे और भारतीय बाजार से पैसा निकालकर चीन में निवेश की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव और फेडरल रिजर्व की बैठक के चलते इस राहत पैकेज में थोड़ी देर हो सकती है। इस सब आशंकाओं को लेकर निवेशक दुविधा में है। निवेशकों के लिए भारत और चीन के बीच चुनाव करना कठिन होता जा रहा है। उन्होंने दोनों बाजारों में सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का विश्लेषण किया। सबसे बड़ी बात पता है सबसे ज्यादा पैसा किसका धड़ाम हुआ है, अंबानी डाउन, वो बहुत ऊपर की तरफ उछल रहा था। अंबानी डाउन, अडानी डाउन, अंबानी अब हाथ जोड़ रहा लोगों के सामने, जियो की सिम ले लो जी। 10 मिलियन लोगों ने जियो की सिम का बहिष्कार कर दिया। ताजा लेटेस्ट न्यूज है ये, 10 मिलियन लोगों ने जियो पोर्ट करा लिया अपना। फिर आ गया धड़ाम, पता लगा जनता की ताकत क्या चीज होती है, पता लगा क्योंकि यही इन्हीं का तो हाथ होता है, इनके अंधभक्तों के पापा के ऊपर, क्योंकि अमीरों के कहने से चलता है। और उन लाखों करोड़ का जो नुकसान होया है इसकी भरपाई कैसे होगी, सरपंच दूसरा नुकसान करने जा रहा है। बताया था सरपंच तुम्हारे को आए दिन एक झटका दे देता है, उसको विकास यादव चाहिए, कहां से लेकर दोगे, वो बोल रहा है भाई वो विकास कहां, विकास दो हमारे को, हम भी तो देखे कौन से विकास की गंगा बहा दी विनाश पुरुष ने, वो विश्वगुरु है, विश्वगुरु का मंटाधार। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।